जी राम राम सबको। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल परी रानी व्लॉग में। तो बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि आप छोले भटूरे की रेसिपी डालो। तो आज संडे है, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाती हूँ संडे को, क्योंकि प्रीसा की क्लास नहीं होती और संडे को तो ये है भाई आराम से काम कर लो, कोई किसी का कोई तकाजा नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे स्पेशल आपके कहने पर। तो और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अभी मैं जाऊंगी अपने किचन में और आपके साथ शेयर करूंगी छोले भटूरे की रेसिपी। आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना जरूर, मेरे को बताना जरूर, और अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं आज छोले भटूरे। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो भटूरे का आटा मैं भिगोती हूँ उसमें कौन कौन सी चीज़ मैं डालती हूँ, एक बार ये बता देती हूँ, फिर छोले कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो ये आटा मैंने लिया है, एक डोंगा मेरे पास ये प्लास्टिक का, और प्लास्टिक के मैं इसलिए लिया है क्योंकि मैदा क्या होता है बहुत बारीक है, और तब भी हम इसको भिगोते हैं थोड़ा सा चिपकता है साइड में, लेकिन प्लास्टिक के डोंगे में बिल्कुल नहीं चिपकता, अच्छे से भीग जाता है, और ये माइक्रोवेव भी सेफ है और अच्छा डोंगा है। तो इसमें मैं जब भी भटूरे बनाती हूँ तो अपना आटा इसी में मैं भिगोती हूँ। तो पहले मैं बता देती हूँ, ये मैंने लिया है आधा किलो मैदा, और अब मैं इसमें डालूंगी एक ये छोटी कटोरी दही है जो मैंने निकाल के रखी है, नॉर्मल दही है ये, मैं इसमें डाल दूंगी, कोई फ्रिज में नहीं रखी है दही। और फिर मैं डालूंगी बेकिंग सोडा, जो बोलते हैं मीठा सोडा, ये थोड़ा सा लिया है, एक चम्मच से भी बहुत कम है, मतलब आधी चम्मच से भी कम है, आधा किलो आटे में इतना बेकिंग सोडा काफ़ी है, तो मैं इसमें डाल दूंगी। और जो ये आटा है, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं भटूरे बनाती हूँ, और मेरे भटूरे हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी से होते हैं और फूलते भी अच्छे हैं। जो ये आटा है मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ना ठंडा है, क्या है मैं इसको आटे को जब भी मैं भटूरे बनाती हूँ तो आटे को 2 से 3 घंटे में फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे कि मेरा डबल डोर का फ्रिज है, एक साइड हम अपना खाने पीने का जैसे दूध दही या भी जो भी फ्रूट वगैरह वो रखते हैं, एक साइड फ्रिज में स्टोरेज है जहाँ पे हम दाल वगैरह अपनी रखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर रखते हैं तो उसमें कीड़ा वगैरह हो जाता दाल में, तो उस साइड में ये अपना आटा रख देती हूँ 2 घंटे के लिए मैदा, और ये अभी ठंडा है, और इसका आटा भी मैं अच्छे से इसको भिगो लूँगी पानी डाल के, और पानी डाल के भिगोने के बाद फिर मैं इस आटे को कम से कम 3 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी, और जो मैं इसमें फिर भटूरे बनाती हूँ इतने अच्छे और क्रिस्पी भटूरे बनते हैं, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके, और टेस्ट भी इतना अच्छा आएगा जो आप मार्केट से, कई बार आपने देखा होगा कि हम मार्केट के जो भटूरे खाते हैं उनके अंदर ऑयल ऑयल सा लगता है, अगर हम ऐसे ही ठंडा आटा करके उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख के भिगोएंगे तो जो ऑयल सा लगता वो बिल्कुल नहीं लगेगा, और इतने अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी आपके भटूरे बनेंगे। तो ये मेरी रेसिपी है भटूरे की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं इसको आटे को भिगो दूंगी, एक बार मैं भिगो लेती हूँ उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो भटूरे का आटा था मेरा वो मैंने भिगो दिया है, आप देख रहे हो, और इसको 3 घंटे रखना है, ढक कर रख देंगे किसी भी बर्तन से, और 3 घंटे के बाद फिर अच्छे से इसको गूथ गूथ के तैयार करना, अभी तो थोड़ा मोटा मोटा सा आयो आप देख रहे हो, तब तक ये आटा पूरा तैयार हो जाएगा, अभी तो छोड़ दिया मैंने ऐसे, ज़्यादा इसको गूथने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 घंटे के बाद हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। और देखा मैंने कई लोग क्या है कि जब भी भटूरे बनाते हैं उसमें कई लोग सूजी डालते हैं, कई लोग दही के साथ दूध डालते हैं, कई लोग हैं नमक डालते हैं, देखो सबका तरीका अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका तरीका गलत है, क्योंकि हर किसी का जो भी हम डिश बनाते हैं, जो भी लोग बनाते हैं उनका, हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सबका टेस्ट अलग है। तो ये मेरा तरीका, मैं अपने तरीके से आज जैसे भटूरे बनाऊंगी छोले भटूरे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मैं इसको 3 घंटे के लिए रख दूंगी,
और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको गूंथ लेंगे, ताकि ये जो मेरा भटूरे का आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और हमारे भटूरे भींगे वो आप देख लेना वीडियो में। तो पहले मैंने आटे को भिगो दिया, इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दही और वो जो हम बोलते हैं मीठा सोडा वो डाल के अब इसको मैं रख दूंगी 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद होगा हमारा भटूरे का आटा तैयार। और जब तक मैं बना लूँ अपने छोले वो कर लूँ मैं तैयार। और जो आप इसका टेस्ट करोगे ना भटूरे का, यकीन मानो बिल्कुल अलग सा टेस्ट होगा और आपके भटूरे इतने अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। एक बार बना के मेरे वाली भी रेसिपी आप प्लीज़ ट्राई करना। और अभी मैं इसको ढक देती हूँ, एक नॉर्मल सी प्लेट लिया उससे मैं इसको ढक देती हूँ। और इसको हम रख देंगे अभी 3 घंटे के लिए, और 3 घंटे तक भटूरे के आटे को राम राम, उसके बाद करेंगे बात। चल भाई रेस्ट कर, तब तक मैं बना लेती हूँ अपने छोले। तो ये बारी है जो मैं बनाऊँगी अपने छोले, उसमें केक के डालूँगी मैं। कौन से मसाले डलेंगे वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। और छोले तो मैंने पहले उबाल कर रख लिए हैं, और अब देख रहे होगे कि छोले में मैंने हल्दी डाल रखी है। कई लोग हैं जो हल्दी नहीं डालते, लेकिन वही मैं कह रही थी कि हर किसी का टेस्ट अलग है और हर किसी का बनाने का तरीका भी अलग है। तो बगैर हल्दी वाले छोले मैं नहीं बनाती, बहुत से लोग बनाते हैं और मेरे बच्चों को पसंद नहीं आते। वो ब्लैक ब्लैक सा उनका कलर है, वो अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चों को, इसलिए मैं छोले में हमेशा हल्दी डाला करूँ। और मैंने हल्दी डाल के ये पहले ही बॉइल्ड कर लिए हैं छोले। तो देखो मेरे उबल गए हैं छोले, तो तैयार हैं। और अब मैं इसमें क्या क्या डालूंगी, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बताऊंगी। ये प्याज और लहसुन छील कर मैंने काट लिए हैं, और टमाटर जो मेरे छोले में डलेंगे, अभी हम ग्रेवी बनाएंगे जो उसके लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है नमक, और नमक जब भी आप डालो तो अपने स्वाद के अनुसार ही डालना, नमक हो या मिर्च। अगर आपको कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है तो वो आप हमेशा अपने स्वाद के अनुसार ही डालना। और ये मैंने लिया है, दूसरा है अनारदाना, और ये है ग्रेवी वाली लाल मिर्च। चाहे तो आप हरी भी डाल सकते हो, वो भी आपकी पसंद है भाई, आपको जो पसंद है। आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप ज़्यादा मिर्च डाल लो, अगर आप कम खाते हो तो कम डाल लो। और हल्दी, हल्दी तो मैंने डाल दी है, और थोड़ी सी और डालूंगी जो ग्रेवी बनाएंगे ताकि कम ना हो। और यहाँ पे मैंने लिया है ये चना मसाला, और 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम लिया है गरम मसाला, और फिर 1 चम्मच लिया है किचन किंग सब्जी मसाला, और साथ में फिर ज़रूरत है ऑयल की। तो ये है ऑयल जो हमारा भी जो मैं ग्रेवी बनाऊंगी उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा सामान है जो मैं अपने छोले की ग्रेवी में डालूंगी। और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अभी ये जो प्याज है और लहसुन है, ये प्याज तो मैंने काट लिए हैं, अब मैं काटूंगी टमाटर, और इनके छोटे छोटे टुकड़े काट कर इन्हें मैं मिक्सी में पहले तो तीनों चीज़ें अब मैंने इकट्ठी इसमें डाल ली, और मैं इन्हें पीस लूँगी थोड़ा दरदरा दरदरा सा, ज़्यादा भी बारीक नहीं करना है। प्याज लहसुन और टमाटर, चाहे तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अदरक नहीं डाला। ये तीनों चीज़ अब मैं मिक्सी में पीस लूँगी। चलो पीस लेती हूँ एक बार। तो ये तीनों चीज़ मैंने मिक्सी में थोड़ी दरदरी सी पीस ली हैं, बिल्कुल भी बारीक नहीं करी हैं। और अब जो मैं ग्रेवी बनाऊंगी उसमें ये डालूंगी। और सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी गैस ऑन, और यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिकी फ्राई पैन लिया है, और इसमें अब मैं डाल लूंगी ऑयल। ये मैंने डाला है 4 से 5 चम्मच, और अभी ऑयल को होने देते हैं थोड़ा सा गर्म। उसके बाद इसमें डालेंगे पहले जीरा। हाँ, मैं जीरा उस टाइम पे जो भी सारे मसाले बताए थे जीरा ऐड नहीं किया था, तो जीरा भी ही ऐड करना है। तो ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। तो ऑयल तो हो चुका है गर्म, ये भी इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद जो ये मसाला सारा पिसा था वो
प्याज लहसुन और टमाटर ये तीनों चीजें इसमें करेंगे ऐड। और ये ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले है चना मसाला, उसके बाद है एक चम्मच से भी थोड़ा सा कम था जो गरम मसाला, और ये था फिर बाद में था जो मेरा सब्जी मसाला, और ये ग्रेवी वाली लाल मिर्च, और थोड़ी सी करेंगे हल्दी ऐड, और कर देंगे मिक्स। वैसे तो हल्दी मैंने पहले भी छोले में डाल दी है, लेकिन थोड़ी सी और डाल दी है जो ग्रेवी का भी कलर अच्छा सा आ जावे और कम भी ना रहे हल्दी। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे, इब्बे तो नमक भी बाकी है वो, पर नमक आप नमक मिर्च जो आपने पसंद हो ना वो डालो उतना ही अपने स्वाद के अनुसार। और ये सारा मिक्स करने के बाद इसको पकाना है कम से कम 5 से 7 मिनट, गैस की आंच कर दूं कम, ज्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना है, धीमी आंच पे ये पकाना है 5 से 7 मिनट तक। चलो अभी जब तक मैं कुछ और काम कर लूं, जब तक यो मेरा मसाला सारा पक के अच्छे से तैयार हो जाएगी ग्रेवी, उसके बाद क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे परी रानी ब्लॉग स्पेशल छोले भटूरे रेसिपी, आज परी रानी की छोले भटूरे की रेसिपी। चलो जब तक मैं एक आधा काम और कर लूँ, इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो ग्रेवी होगी है मेरी तैयार बनकर, पूरा हो गया टाइम जब तक मैंने अपने कर दिए बर्तन साफ जितने भी पड़े थे, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाए ना, किसी में कुछ डालना, किसी में कुछ, किसी में मसाला पीसना, किसी में हल्दी डालनी, किसी में नमक। तो ये के करेंगे ग्रेवी तैयार होने के बाद, वो मैं आपको बता दूँ। तो जो छोले थे मेरे वो मैंने डाल लिए हैं अपने कुकर में, और ईब जो वह ग्रेवी थी मैं इसके अंदर करूंगी ऐड। तो छोला मैं कर दी है मैंने ग्रेवी ऐड, और ईब इसमें करेंगे जो अनारदाना था वो ऐड, और उसके बाद थोड़ा सा नमक और, क्योंकि ग्रेवी भी है इसमें तो नमक हो जाएगा कम, इसलिए मैंने एक चम्मच नमक और डाला है। और एक चम्मच नमक डालने के बाद मैं डालूंगी आधा गिलास पानी, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से हो जाए मिक्स। ईब मैं कुकर बंद करके इनमें मरवाऊंगी 3 सीटी, ताकि जो ये ग्रेवी है इसमें जो भी मसाला है सारा छोले में अच्छे तक हो जाए मिक्स, और फिर आओगे इसका बढ़िया बढ़िया टेस्ट। तो उबलन भी लग गया मेरे छोले, मैं जल्दी जल्दी कुकर बंद कर दूँ और 3 सीटी इनमें मरवा दूँ मैं, ताकि सारा जो मसाला है अच्छे तक छोले में मिक्स हो जाओगा। वैसे तो छोले मैंने पहले पका लिए थे, लेकिन इब जो इसमें मैं 3 सीटी और मरवाऊंगी उससे क्या है जो सारा मसाला है वो इनमें बिल्कुल अच्छे तरह मिक्स हो जाओगे, और वो करना जरूरी है। जैसे हम राजमा वगैरह बनावे हैं वो भी मैं इसी तरीके से बना करूँ। तो इब मैं जल्दी जल्दी कर दूँ हूँ कुकर ने बंद, और या मेरी छोले की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो कर आप बनाओ अपने तरीके तक बना सको खा सको, उसमें कोई दिक्कत ना है, सबका तरीका अलग है। मैंने अपना तरीका बताया, आपका हो सकता कोई और तरीका है, अगर आपका और तरीका है तो वो भी मेरे तक बताना जरूर। तो या तो मेरी थी छोले भटूरे की रेसिपी अभी। हाँ एक चीज़ और, ये देखो कि
जैसे ये मेरे छोले मतलब उबलन लग गए हैं, ये देखो कितना अच्छा कलर आने लग गया है। और इसमें मैंने कोई वो कई लोग गेरा करे ना चाय की पोटली बांध कर, पत्ती की पोटली बांध कर डाल दिया करे कि उसका कलर आ जाओगा, या कई कुछ कुछ गेरा करे छोले में कलर लेने के लिए। तो मैंने वो आपने देखा, मैंने कुछ भी नहीं गेरा लगता, ये देखो, लेकिन फिर भी छोले में इतना बढ़िया कलर आया है मेरा। मैं और हमेशा ही आता, मैं एक्स्ट्रा कुछ फालतू का नहीं गेरती, ना कभी चाय की पत्ती डाली इसमें, ना कुछ और डाला। चाय तो वैसे ही हानिकारक है, कम पिया करो। मैं भी छोड़न की सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ, अरे इसमें ऊपर तक चाय की पत्ती डालना, वो भी दे बच्चे भी हैं छोटे। मैं तो अपने बच्चे तो वैसे दोनों मेरे बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, तो मैं चाय की पत्ती कभी नहीं डालती, और बिना डाले ही इतना अच्छा कलर आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हो। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कुकर बंद कर दूँ, जब तक इनमें 3 सीटी लग जाएगी, मैं अपना बाकी का काम कर लूँ और फिर भटूरा की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आगे किस तरह हम भटूरे बनाऊँगे। तो अभी पूरी 3 सीटी लग ली हैं छोले में, और छोले हैं बिल्कुल बनकर तैयार। और मैं गैस कर देती हूँ बंद। और अभी ये देखो छोले में कितना अच्छा कलर आया है, और छोले बनकर हैं तैयार। और अभी हम तैयार करेंगे भटूरे का आटा, जो पहले भिगो कर रख दिया था। 3 घंटे हो गए हैं अब उसने भीगे हुए, अब उसने करेंगे हम तैयार। तो यो है भटूरे का आटा जो मैंने पहले बेक रख लिया था, अब इसको अच्छे से गूथ गूथ के करना है तैयार 5 मिनट तक, उसके बाद हो जाएगा भटूरे का आटा तैयार और हम बनाएंगे भटूरे। अभी भटूरे का आटा है बिल्कुल तैयार, देखो कितना अच्छा हो गया। डो कहते हैं इनको आटे और इसको। हाँ, और डो। अभी हम इसके बनाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी नरम नरम भटूरे, बिल्कुल नरम नरम। उसके बाद आटे की बना लेनी है लोई, यानी कि पेड़े बोलते हैं वो, जो पेड़े कहते हैं क्या इनको। हाँ, और फिर इसको गुड़ाई में नहीं थोड़ा लंबाई में बेलना होता है। और ये हो गया है मेरा भटूरा तैयार, और अभी देखते हैं गरम तेल हो जाएगा और फिर हम इसको डालते हैं गरम तेल में, और फिर है हमारे भटूरे तैयार, ठीक है ना। ये अपने आप कैसे फूल जाते हैं, मैजिक होता है ना यार। ये देखो बन गया है हमारा भटूरा, और हमेशा जब भी भटूरे बनाओ तो उसने बनाई लोहे की कढ़ाई में, नॉन स्टिक वगैरह में नहीं, लोहे की कढ़ाई में भटूरे बनाओ और गर्मा गर्म खाओ। देखो मनाज थार सारा तो बता दिया छोले भटूरा की अपनी रेसिपी, अरे जिसने बनाने हैं बना लियो और खा लियो मेरी मेरे मुंह में पानी आ गया, देखते परीजा के तो मुंह में पानी आ गया। तो ये हो गए हैं तैयार छोले भटूरे, और साथ में दही प्याज और आम का अचार। तो ये परेशान लग रही है भूख, मैं बता दी है रेसिपी आपको छोले भटूरे की, और जो मैंने अपने तरीके से बनाए हैं उनकी। अगर आपका कोई अलग तरीका है तो प्लीज कमेंट करके बता देना जरूर, और मेरे छोले भटूरे की रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं आई
वो भी कमेंट करके बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी रेसिपी और मेरे व्लॉग आप सब देख सके। लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब, दोबारा करिए प्लीज, लाइक और सब्सक्राइब। तो याड़े प्रीसा छोले भटूरे का मजा ले रही है और प्रीसा से पूछते हैं कि आज के छोले भटूरे प्रीसा ने पसंद आए या नहीं आए। तो बोलिए आज आपको छोले भटूरे कैसे लगे? और प्रीसा के बाल इधर से उधर गए हुए हैं क्योंकि प्रीसा भी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी और उठते प्रीसा को लगी भूख और संडे को तो प्रीसा लेट उठती है ना। बिल्कुल जबरदार नहीं होते, जबरदस्त होते हैं। जबरदार क्या होता है? जबरदार भटूरे, डम्मी जबरदार भटूरे, जो भी हो बेस्ट है ना। मेरे वर्गे कोई बना सके है? संडे ले जब इन ठाक मैंने भी खाने हैं संडे। टेस्ट तो कर ले, मैंने ना करे अब तक, मैंने ना खाए पहले थरते दिए परीक्षा दरते रहता क्योंकि ये रिस्क हम ही उठा सकते हैं। अच्छा रिस्क? अरे देखा ये बैठा पहले तड़की रोटी, अरे क्यों करो रहा है इसका छोट रहा है। मैंने लगा मैं थर थर तक देऊं, इस तरह नहीं दे रही है ना, इस तरह तो पहले खुआ दी मैंने। फिर तो खुआ ही नहीं है।